नमस्कार, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 kg आम लिया है और इसे हम अच्छी तरह से धोकर पोंछ लेंगे। फिर इसके छिलके उतार लेंगे। सभी आम के हमने छिलके उतार लेना है। छिलके उतारने के बाद इसे हम पतले पतले पीस में काट लेंगे। आम में जो है गुठलियाँ पड़ गई हैं तो हम किनारे से इसको उतार लेंगे। इसे पतले पतले से हम पीस काट लेंगे। यहाँ हमने सारे पीस काट लिया है और एक कटोरी में इसे डाल देंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम गैस पर इसे उबलने के लिए रखेंगे। हम ढक देंगे। यहाँ हम धनिया लिया है खड़ा, सौंफ लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ा सा काली मंगरेल है। इस सब को हम भुनेंगे। पहले हम धनिया को भुनेंगे। धनिया थोड़ा सा होता है कड़ा, उसे पहले हम डालेंगे। उसके बाद हम सौंफ को डालेंगे। सौंफ को थोड़ा हम चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। फिर उसमें हम जीरा को डालेंगे और उसे भी हम चला लेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे जब तक उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन मंगरेल भी डाल देंगे। सभी मसालों को हम थोड़ा देर भून लेंगे। इधर हमारे आम भी गल चुके हैं, देखिए ये मसाले हमारे भून गए हैं। आम हमारे पूरे पक गए हैं। इस तरह हम कुछ कलछुल से इसको मैस कर देंगे। सभी आम को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए कुछ हमारा ऐसे हो गया है। देखिए पूरा हमारे इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। इसे हम सीधे कढ़ाई में डालेंगे। पहले से हमें तेल उल कुछ नहीं डालना है। अच्छी तरह से हम चलाएंगे। मैंने यहाँ 1 kg आम लिया था तो उसमें से कुछ गुठली निकल गए थे, वजन में कुछ कम हो गए हैं। उतना ही हम गुड़ भी लेंगे तो गुड़ हमारे आम जो थे 700 ग्राम हो गए होंगे, तो हम गुड़ भी 700 ग्राम लेंगे। आम और गुड़ का मेजरमेंट एक तरह रहना चाहिए। हम यहाँ पर मसाले जो हैं पीस लेंगे। मसाले को हम पूरा महीन नहीं पीसना है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है। चटनी जो है हमारी इस तरह का कुछ अब हो रही है। इसे हम कुछ देर और पकाना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट अपने आप हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। चटनी हमारी अब तैयार हो गई है। अब देखिए इसे बड़ी गाढ़ी हो गई। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। चटनी हमारी अब
तैयार हो गई है। इसमें हम अब भूखे हुए मसाले डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये कितना ही अच्छा लग रहा देखने में और गाढ़ी भी हो गई है। इसे एक हम अब बाउल में निकालेंगे। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या पराठे के भी साथ खा सकते हैं, तो खाने में बहुत ही टेस्टफुल होता है, अच्छा लगता है।